साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड की दिवंगत अदाकारा जिया खान की जिंदगी पर बनी डेथ इन बॉलीवुड का पहला एपिसोड पिछले हफ्ते बीबीसी पर रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हिल गई थी। जिया खान की मौत वाली शाम के पूरे सीसीटीवी फुटेज, मां राबिया और बहनों के बयान के साथ ही उसमें निजी फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो गया है कि जिया खान की मौत सिर्फ एक खुद को मारने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उसके पीछे खौफनाक साजिश थी। जिया खान की मौत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। 8 साल बाद भी जिया की मौत का सच फाइलों में दबा है। वहीं अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो डेथ इन बॉलीवुड के दूसरे एपिसोड में तो और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिनको जानने के बाद, जिनको देखने के बाद जिया खान के फैंस शॉक्ड हैं। इस बार जिया की बहन ने बॉलीवुड के 4 बड़े नामों को खुलकर ले लिया है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और जिया के साथ कैसे साल 2010 से पहले ही साजिश रच दी गई थी ये सब आपको बताते हैं। आप भी जिया खान की बहन के इस खुलासे पर कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक्ट्रेस जिया खान का बॉलीवुड करियर कम समय में काफी शानदार रहा था। जिया बेहद सुंदर और ग्लैमरस एक्ट्रेस थी। अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्में करने के बाद जिया खान काफी पॉपुलर हो चुकी थी, मगर अचानक जून 2013 में जिया खान की मिस्टीरियस मौत हो गई, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पुलिस और सीबीआई दोनों ने जांच की, सूरज पंचोली को जेल भी हुई, मगर फिर ये बात भुला दी गई। मगर अब बीबीसी की सीरीज डेथ इन बॉलीवुड ने एक बार फिर से जिया खान की मौत के सच को उजागर कर दिया है। जितने धमाकेदार खुलासे सीरीज के पहले एपिसोड में हुए, उससे ज्यादा विस्फोटक खुलासे सीरीज के दूसरे एपिसोड में हुए हैं। दूसरे एपिसोड में जिया खान की बहन करिश्मा ने बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम खुलकर लिए और बताया कि किस तरह साल 2010 में जिया को मेंटली और फिजिकल हैरेस किया गया था। जिया की बहन करिश्मा के मुताबिक जिया को सबसे ज्यादा हैरेस डायरेक्टर साजिद खान ने किया था और हाउसफुल फिल्म की शूटिंग के वक्त जिया को जबरन अपने सारे कपड़े खोलने तक को मजबूर कर दिया गया और ऐसा ना करने की एवज में फिल्म से नाम हटाने तक के लिए धमकाया गया। जिया खान की बहन ने बताया कि उस दिन जिया पूरी रात रोती रही। वो कहती रही कि अगर मैं फिल्म से नाम वापस लूंगी तो मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से केस कर दिया जाएगा और अगर मैं फिल्म करती हूँ तो मुझे हर रोज उनकी गंदी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको बता दें, अप्रैल 2010 में आई हाउसफुल फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अर्जुन रामपाल मेन लीड में थे, तो वहीं जिया ने इस फिल्म में देविका का किरदार प्ले किया था। अब जिया की बहन का आरोप है कि इसी फिल्म के सेट पर सबको खबर थी कि जिया के साथ क्या हो रहा है, मगर किसी ने भी जिया का साथ नहीं दिया। जिया सेट पर हर दिन हर पल साजिद की घिनौनी हरकतों को सहती रही। करिश्मा खान ने सीरीज में बताया कि फिल्म की रिहर्सल चल रही थी और साजिद ने जिया से कपड़े उतारने की शर्त रख दी। बहन के मुताबिक जिया को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। उसके बाद वो बेहद डरी हुई रहती थी और रात में उठकर चीख चीख कर रोने लगती थी। करिश्मा के मुताबिक साजिद खान ने जिया को ऐसा ना करने पर लीगल एक्शन लेने की धमकी दी थी। जिया के लिए ये फिल्म पूरी तरह खुद को दाव पर लगाने जैसी थी। वो खुद को हारा और ठगा हुआ महसूस करती थी। वो कहती थी कि बॉलीवुड गंदगी का ढेर है और वो खुद को इससे अलग तक करना चाहती थी। जिया की बहन के मुताबिक एक बार मैं भी जिया के साथ सेट पर गई थी तो उस वक्त साजिद खान ने मेरे ऊपर भी बेहद गंदी टिप्पणियां की थी। मैं वहां से रोते रोते बाहर आ गई थी। अब जिया खान की बहन के इन खुलासों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। जिया खान के फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान को खूब कोस रहे हैं। वैसे जिया की बहन करिश्मा के इन सनसनीखेज आरोपों के बाद अब हर किसी को हाउसफुल के निर्माता और कलाकारों के बयानों का इंतजार है। हालांकि अभी तक साजिद खान, अक्षय कुमार या किसी की भी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, मगर लोगों को इंतजार है कि इनका रिएक्शन क्या रहता है।
वैसे साजिद खान की बात करें तो साल 2018 के बाद से इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस और क्रू मेंबर्स उन पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। यहां तक कि एक महिला जर्नलिस्ट ने भी साजिद खान पर संगीन आरोप लगाए थे। और अब जिया की बहन का ये खुलासा तो हर किसी को हैरान कर रहा है। तो आपका जिया की बहन के इन आरोपों पर, जिया की बहन के इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिग बॉस 14 के सेट से लगातार कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो उनके फैंस को हैरान भी करती है, परेशान भी करती हैं। हाल ही में सामने आया कि विकास गुप्ता की सेहत भी ठीक नहीं है और अब बिग बॉस 14 के सेट से एक बुरी खबर सामने आ रही है। बिग बॉस 14 की टैलेंट मैनेजर पिस्ता धाकड़ की एक सड़क हादसे में मौत हो गयी। 23 साल की पिस्ता के साथ ये हादसा बिग बॉस 14 के सेट से ठीक बाहर हुआ। गौर से सुनिए, पिस्ता के साथ ये हादसा बिग बॉस के सेट से ठीक बाहर हुआ। पिस्ता धाकड़ बिग बॉस 14 को बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी एंड मॉल शाइन इंडिया में काम करती थी। अब सूत्रों की माने तो पिस्ता वीकेंड का वार की शूटिंग करवा कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान सलमान खान भी बिग बॉस 14 के सेट पर मौजूद थे। ये तो आपको पता ही है कि वीकेंड का वार सलमान होस्ट करते हैं और सलमान की वैनिटी वैन भी वहाँ पर मौजूद थी। हर बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, आगे देखिए। तो वीकेंड का वार की शूटिंग खत्म होने के बाद पिस्ता धाकड़ अपनी एक असिस्टेंट के साथ एक्टिवा पर अपने घर के लिए निकली। उन्होंने सेट के बाहर एक्टिवा स्टार्ट की और मुश्किल से 500 मीटर भी वो आगे नहीं निकली होगी। जी हाँ, बिग बॉस 14 के सेट से पिस्ता की स्कूटी 500 मीटर भी आगे नहीं निकली होगी। और बताया जा रहा है कि रात को अंधेरा होने की वजह से पिस्ता धाकड़ की स्कूटी स्लिप होकर एक गड्ढे में जा गिरी, जबकि पिस्ता सड़क पर ही गिर गई। अब स्कूटी से गिरी पिस्ता धाकड़ एक वैनिटी वैन के नीचे आ गई और पिस्ता धाकड़ की ऑन द स्पॉट ही दर्दनाक मौत हो गई। अब पिस्ता के साथ उनकी एक्टिवा पर मौजूद असिस्टेंट बिल्कुल ठीक बताई जा रही है, मगर पिस्ता दुनिया से चली गई। तो अब उसी रास्ते पर बिग बॉस के सेट से कुछ कदम आगे ही उसी वक्त आखिर किसकी वैनिटी वैन होगी, इसको लेकर मीडिया में कई तरह की बातें हो रही हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि वैनिटी वैन सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स के पास ही होती है। कुछ स्टार्स तो पर्सनल वैनिटी वैन भी अपने साथ रखते हैं और ऐसी ही एक वैनिटी वैन के नीचे 23 साल की पिस्ता आ गई। अब मीडिया में जो इन बातों को लेकर दावे किए जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। मुंबई की सड़कों पर कितने हिट एंड रन होते हैं इसका इतिहास आप सबको पता है। कई सेलिब्रिटी भी हिट एंड रन के केस में फंसे हुए हैं। हालांकि पिस्ता के बारे में कोई भी सीधा नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन अब उसी रूट पर चलने वाली वैनिटी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पिस्ता धाकड़ एक्टिवा से सिर्फ स्लिप हुई थी और मामूली चोट ही आती, लेकिन वैनिटी वैन ने पूरी तरह से पिस्ता को चकनाचूर कर दिया और ऑन द स्पॉट सब कुछ खत्म हो गया। अब अचानक हुए इस हादसे को लेकर कई सवाल और कई बवाल हो रहे हैं। हालांकि पूरा सच अब भी सामने आना बाकी है और सच सामने आएगा या नहीं इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े बड़े सच दफन हो चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि पिस्ता धाकड़ बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। पिस्ता धाकड़ बिग बॉस के अलावा खतरों के खिलाड़ी जैसे टीवी रियलिटी शो के लिए भी काम कर चुकी थी। छोटी सी उम्र में पिस्ता धाकड़ ने कई मुकाम हासिल कर लिए थे और यूं अचानक पिस्ता की मौत से टीवी जगत में शौक की लहर दौड़ गई है। वहीं ये दुखद खबर सुनकर बिग बॉस 14 के फैंस को भी जोरदार झटका लगा है। हिमांशी खुराना, काम्या पंजाबी और जैस्मीन भसीन जैसी टीवी एक्ट्रेस और एक्स बिग बॉस ने पिस्ता को लेकर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख जताया है। तो आप भी पिस्ता की इस अचानक मौत और उस पर उठ रहे सवालों पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।